भारत माता की। जोर से सब लोग हाथों पर उठा के भारत माता की। इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे। दोस्तों आज मजा आ गया, इतनी शानदार तिरंगा यात्रा। मैंने बहुत सारे रोड शो किए अपनी जिंदगी में, बहुत सारी तिरंगा यात्रा निकाली है, लेकिन आज जलंधर के लोगों ने कमाल कर दिया। तो एक बार जोरदार ताली जलंधर वासियों के लिए। और जितना प्यार जितना मोहब्बत आज हम लोगों को जलंधर के लोगों से मिली है, मैं जानता था जलंधर के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार करते हैं ये नहीं पता था। तो जलंधर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। पूरा रास्ते लोग अपनी खिड़की पे अपनी छत पे सब लोग तिरंगा लहरा रहे थे और सबके मुंह पे था भारत माता की जय। अपने को सबको अब पंजाब की खुशहाली के लिए काम करना है, पंजाब की तरक्की के लिए काम करना है। पंजाब पुराने दिनों में आतंकवाद से गुजरा था, पंजाब के लिए वो दिन बहुत बुरे थे। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अपने को सबको मिलके पंजाब को खुशहाल करना है, पंजाब का भाईचारा बना के रखना है जैसे आप लोग बना के रखते हो, और पंजाब को अब आगे लेके जाना है। मैं किसानों को सलाम करता हूं और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों को। इस पूरे किसान आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? पंजाब ने की थी। पंजाब के लोग सबसे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठे थे, और जब पंजाब के लोग खड़े हो गए तो सारे देश के किसान खड़े हो गए। तो मैं पंजाब के किसानों को सलाम करता हूं, और जैसे किसान आंदोलन जीता है अब अपने आप को पंजाब अपने को सबको मिलके पंजाब की खुशहाली के लिए भी ये जंग जीतनी है, और मार्च के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। बनानी है नहीं बनानी है। आज मैं बाबा साहब जी को नमन करता हूं। बाबा साहब मैं समझता हूं कि आज तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीय हैं। आपको पता नहीं होगा, दो तीन बात बता दूं बाबा साहब के बारे में। उनके पास 62 मास्टर्स डिग्री थी, 62 एमए थी उनके पास। एक एमए करने में नानी याद आ जाती है। उनके पास 62 डिग्री थी, 62 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए करा। उन्होंने दो लंदन से और उधर अमेरिका से दो जगह से उन्होंने पीएचडी करी थी। आज की डेट में भी एक बार विदेश से एक बार पीएचडी करने में नामी आता है। इतने गरीब घर के थे। उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। आज आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो स्कूलों पे और शिक्षा पे काम कर रही है। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज 70 साल बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ। हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। हमने कसम खाई है कि बाबा साहब का यह अधूरा सपना हम पूरा करेंगे। आज जलंधर में आए हैं तो जलंधर के लोगों को दो गारंटी देके जा रहे हैं। एक, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा। अगर पूरे देश में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको हॉकी क्रिकेट तो उसको जलंधर का बना हुआ सामान इस्तेमाल करना पड़ता है। सचिन जब अपने बल्ले से सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से छक्के मारता था तो उसके बल्ले के अंदर जलंधर होता था। हमारी हॉकी टीम जब ओलंपिक में मेडल लेके आती है तो उनकी बॉल के अंदर और उनके बल्ले के अंदर जलंधर होता है। हर चीज के अंदर पूरे देश के अंदर जहां भी खेल खेला जाता है जलंधर होता है। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जलंधर के अंदर बनाएंगे।
और दूसरा दुआबे से बहुत सारे घरों के बच्चे विदेश गए हुए, वो वापस आते हैं, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पे जलंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जलंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी एक छोटी बच्ची ने, दो बच्चों ने, कोमलप्रीत कौर और सारास, यहीं पे हैं वो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों ने हम लोगों को अपने गुल्लक के पैसे दिए हैं। उनके पास बड़े बड़े अमीरों के पैसे हो सकते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से ये चुनाव जीतेंगे दोस्तों।